सोलन भगाड़ बैंक काफी समय से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। पहले ही लोन को लेकर बैंक जांच चल रही थी। इसको लेकर पदाधिकारी एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे थे। अब चुनाव हो चुके हैं तो चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर गोचिया बिछाई जा रही है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए सोलन के वृद्ध बुद्धिजीवियों ने इस बैंक की स्थापना की थी, वह उद्देश्य राजनीति के इस द्वंद में कहीं खो चुका है, जिसका खामियाजा सोलन की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्राहक अफवाहों के कारण यह समझ नहीं पा रहे हैं कि बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है भी या नहीं, जिस कारण काफी संख्या में लोग बैंक से पैसा भी निकाल चुके हैं। वही जो बैंक के शेयर होल्डर है, वह भी अपने आप को आज के समय में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वह भी मांग कर रहे हैं कि बैंक ने जो चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी थी वह हो चुकी है, ऐसे में बैंकों के कार्यों को क्यों लंबित किया जा रहा है, वह समय से पूरा किया जाना चाहिए। सोलन के व्यवसायी आदर्श अग्रवाल में बैंक की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह बगाट बैंक के शेयर होल्डर है, लेकिन बैंक द्वारा करीबन 3 वर्षों से उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जा रहा। उनकी तरह सोलन में और भी शेयर धारक है, सभी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बैंक के अधिकारियों ने यह बहाना बनाया था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। अब तो चुनाव भी हो चुके हैं तो उसके बावजूद भी उन्हें डिविडेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि वह अपने शेयर बैंक को वापस बेच दे, तो बैंक वह भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक से अगर लोन ले तो वह चक्रवृद्धि ब्याज ग्राहक से वसूलता है, ऐसे में जो डिविडेंड बैंक द्वारा अभी तक नहीं दिया गया तो क्या उस पर भी बैंक चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर ग्राहकों को देगा। उन्होंने कहा कि बैंक में केवल राजनीति हो रही है, इसके अलावा ग्राहकों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जैसा कि बगाड़ बैंक के पहले तो ये इशू रहा कि हमारा कोई डायरेक्टर नहीं है या MD नहीं है। अब इलेक्शन को भी मैं सोचता हूँ कि 1.5-2 महीने हो चुके हैं, अभी भी इनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग नहीं हो पा रही है। जैसे हम बैंक से कन्वे करते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो कहते हैं कि हमारा कोई अभी डायरेक्टर नहीं है, हम इसलिए डिविडेंड नहीं दे सकते अभी। बट मैं ये बैंक से या डायरेक्टर से या मीटिंग मेंबर से ये पूछना चाहता हूँ कि 1.5 महीने हो चुके हैं, डिविडेंड क्यों नहीं दे रही, जब ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हर महीने, सब कुछ ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, तो डिविडेंड देने में क्या है। और डिविडेंड तो ये हर मतलब ईयरली मिलता है, अब डिविडेंड ये कह रहे हैं कि हमें मतलब लगता है कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 ईयर से नहीं मिल पा रहा हमें। तो हम सर ये पूछना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ मीटिंग से कि जो डिविडेंड देंगे हर ईयरली मिलता है, तो डिविडेंड पे डिविडेंड देंगे कि वो ईयरली इकट्ठा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शेयर्स को भी ये रिडीम नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं कि हमारे शेयर्स वापस कर दो, वो कहते हैं कि हम नहीं दे सकते अभी, आपकी लिमिट्स है, लोन्स है, तो ये इश्यूज चल रहे हैं। हर कस्टमर को पता है, हर क्लाइंट्स को पता है कि ये धोखाधड़ी है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है और मंथली इंटरेस्ट चार्ज होता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखो कि जो कॉपरेटिव बैंक है, मैं मानता हूँ कि नो डाउट कि 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है, जैसे अब सरकारी बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, सब ने इंटरेस्ट रेट अपने कम किए हैं। जैसे अब 5% या 6% इंटरेस्ट पे होम लोन पे है या 7% है, इनके अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2-3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और डिविडेंड ये दे नहीं रहे हमें।